हाय फ्रेंड्स, सरलास किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जीरा खस्ता स्टिक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो आप एयरटाइट डब्बे में स्टोर भी कर सकते हो और ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हो और चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो जीरा खस्ता स्टिक बनाने के लिए यहाँ पर एक कप मैदा लेते हैं। आप मैदे की जगह पर आधा मैदा और आधा गेहूँ का आटा भी ले सकते हो। इसके अंदर हम 1 टीस्पून जितना रवा ऐड करते हैं और 2 टेबलस्पून जितना घी ऐड करते हैं। और घी ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, अभी इसमें मसाला ऐड करते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं। दरदरी पिसी हुई 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर लेते हैं और दरदरा पिसा हुआ जीरा लेते हैं 1 टीस्पून जितना, वो ऐड कर लेते हैं। और अभी इसके अंदर हम 1 टीस्पून जितना वाइट तिल यानी सफ़ेद तिल ऐड करते हैं, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। और अभी हाथों से मिक्स कर लेते हैं सब मसाला। हाथों से मिक्स करने के बाद अभी इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम डो बना लेते हैं। हमें डो यहाँ पर आटा ऐसे गूंथना है कि थोड़ा टाइट रहे, थोड़ा भी लूज आटा हमें नहीं चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक आटा गूंथ लेते हैं अच्छे से। और ये हमारा आटा अभी गूंथ कर रेडी हो गया। इसको स्मूथ बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल ऊपर से ऐड कर लेते हैं, तेल, और फिर से मिक्स कर लेते हैं। और ये थोड़ा मसलने के बाद अभी ये डो में से हम 2 पार्ट कर लेते हैं। हम 2 रोटी बनाएंगे अच्छे से। तो अभी ये अच्छे से ये राउंड हमने कर लिया है और अभी रोलिंग बोर्ड पे हम अच्छे से रोल कर लेते हैं, अच्छे से बेल देते हैं। और हमें ये थोड़ा भी मैंने ऊपर से मैदा या कुछ भी लिया नहीं है, ऐसे ही हम बेल रहे हैं क्योंकि आटा हमारा इतना अच्छे से टाइट अच्छे से हमने गूंथ लिया है। तो ये रोटी बेल कर रेडी कर दिए। इसके ऊपर हम घी थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, अच्छे से घी थोड़ा लगा देना है। और ये घी लगाने के बाद इसके ऊपर से हम ड्राई मैदा छिड़क देंगे। थोड़ा सा ड्राई मैदा यहाँ पे छिड़कने के बाद अभी चम्मच की मदद से इसको स्प्रेड कर लेते हैं, अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। मैदा स्प्रेड करने के बाद फ्रेंड्स, इसको फोल्ड करना है। तो अभी क्या करेंगे, एक साइड से ऐसे आधा फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे इतना आधा फोल्ड कर लेते हैं। और ये जो फोल्ड किया है, अभी इसके ऊपर भी हम घी लगा देते हैं। घी की जगह पे आप तेल भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये घी लगाने के बाद अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं और इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल कर लेते हैं। और फिर से अगेन चम्मच की मदद से इसको स्प्रेड कर लेते हैं। स्प्रेड करने के बाद ऐसे एक फोल्ड ऐसे कर लेते हैं और दूसरी साइड से दूसरा फोल्ड कर लेते हैं। ओवरलैप नहीं करना है, ऐसे ही जॉइंट कर लेना है। और ये हमारा एक स्क्वायर बनकर रेडी हो गया है। अभी ये स्क्वायर को भी हम फिर से बेल देते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा पतला बेल लेना है, तो हम बेलन की मदद से इसको रोल कर लेते हैं अच्छे से। ये भी थोड़ा पतला बेलना है फ्रेंड्स। और ये सेकेंड टाइम का भी हमने ये रोल करके मतलब बेल के रेडी कर लिया है। अभी इसके अंदर सेम प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा घी लगा के और थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं। स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेते हैं। मैदा स्प्रिंकल करने के बाद फिर से अगेन वही प्रोसेस करेंगे, चम्मच की मदद से थोड़ा स्प्रेड करेंगे। और अभी क्या करते हैं, एक साइड से आधा फोल्ड करके और ये दूसरी साइड बची है इसके ऊपर हम ओवरलैप कर लेते हैं, ऐसे इसको जॉइंट कर लेते हैं ऐसे फ्रेंड्स। और ये हमारी पतली सी ऐसे स्टिक जैसी बनकर रेडी हो गया है। और अभी इसको ऊपर से थोड़ा सा बेलन लगा देते हैं, बेल देते हैं। बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला बेलना नहीं है, थोड़ा सा थीक रखना है, रोटी जैसा पतला सा बेलना नहीं है।
तो ये हमारी ये स्टिक बनकर रेडी हो गई है। अभी क्या करते हैं कि चारों तरफ से साइड इसकी कट कर लेते हैं ताकि हमारे लेयर्स अच्छे से खुल जाए। तो ऐसे ये इस तरफ से भी हम निकाल देते हैं और इस तरफ से साइड से भी हम कट कर लेते हैं। ये कट करने का फ़ायदा ये है कि फ्रेंड्स लेयर अच्छे से दिख जाते हैं और खुलते हैं लेयर इसके फ्राई करते टाइम। और ये जो पतली सी साइड पे स्ट्रिप्स निकली है उसको भी फेंकना नहीं है, वो भी फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी इक्वल साइज में हम कट कर लेते हैं। आपको जितना चौड़ा चाहिए स्टिक्स उतना आप कट कर सकते हो। तो ये अच्छे से कट हो गया है और ऑयल भी मैंने तेल गरम करने रख दिया था तो तेल गरम हो गया है। अभी फ्राई कर लेते हैं। तेल मीडियम आंच पे हमें रखना है अभी फ्राई होने के टाइम, और फिर अभी एकदम लो कर देते हैं। लो फ्लेम में फ्राई करने से फ्रेंड्स इसके लेयर अच्छे से खुल जाएंगे। अच्छे से लो फ्लेम में फ्राई करने से क्रिस्पी भी बहुत अच्छा होता है। यह हमारी स्टिक्स बहुत अच्छी खस्ता बन जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ट्रैवलिंग में ये बहुत काम आता है। एकदम लाइट ब्राउन कलर की ये हमारी जीरा खस्ता स्टिक्स बनकर रेडी हो गई है और लेयर भी बहुत अच्छे खुल गए हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही हम सब स्टिक्स को फ्राई कर लेते हैं। ये जीरा खस्ता स्टिक एयरटाइट कंटेनर में आप भरकर स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।